you'll never see because they're so sensitive. Skinny bitch. Let's go to the gym. अगर तुम लोगों ने कैटाबॉलिक सुना है तो हेयर्स अ पर्सनलाइजेशन ऑफ द वर्ड कैटाबॉलिक। तेरे को पता है कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? यू डोंट नो? ट्राई तो कर। भाई कैटाबॉलिक होने का मतलब ये होता है कि जो इंसान के ऊपर अच्छे खासे तरीके से मसल नहीं चढ़ता ना, उसको कैटाबॉलिक कहते हैं। ये बेइज्जती कर रहे हो मतलब आप? केले खाता हूँ ना जिम से पहले, गोलगप्पे नहीं खाता। ये भाई जब भी मेरे को मिला है जिम के बाहर, ये भाई हमेशा गोलगप्पे खा रहा होता है। गोलगप्पे, ये तुम्हारी बॉडी का एनर्जी है ना गाइस। अगर तुम्हें भी 18 या 20 इंच का डोला चाहिए तो गोलगप्पे खाओ जिम से पहले। और ये प्री वर्कआउट में गोलगप्पे का पानी पी रहे हैं, ये एक गोलगप्पे का पानी ही है इसमें, है ना। अबे दिखाने किसका कॉल है, दिखा तो सही। पापा का फोन आ रहा है, इसके पापा को प्रैंक। हेलो हेलो, सो आज हमारे साथ हमारा हेमंत भाई भी है, आज ये हमारे साथ वर्कआउट करेगा। एंड क्योंकि आज हमारा बैक एंड रेडल्स है तो मैंने इससे पूछा आज क्या कर रहा है। ये वैसे ज्यादातर मेरे को मिलता नहीं है जिम में क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत अलग है क्योंकि ये जॉब वगैरह करता है। सो या आज हमारे साथ अपॉर्चुनिटी है हेमंत के साथ ट्रेन करना, तो हाँ। तो एनीवेज बैक के लिए आज हमारा ब्रीफ थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि शुरू हम लोग पुल डाउन्स के साथ ही करेंगे, फिर उसके बाद रोइंग मूवमेंट एक बारबेल बेंट ओवर रोज के दो सेट्स, फिर उसके बाद एक दो सेट दोबारा पुल डाउन्स के अच्छे से फॉर आइसोलेशंस, एंड देन लास्ट रेडल्स के दो सेट्स फेस पुल्स एंड दो सेट्स रिवर्स फ्लाइज। आज मेरे साथ ये ट्रेन कर रहा है तो थोड़ा बहुत पूरा वर्कआउट करके जाएगा ना, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग पहले आते थे, उदित भाई, वो ऐसे छोड़ के चले आए। वो भाई ऐसे छोड़ के चले जाते थे बीच के अंदर ही वर्कआउट, कह रहे थे भाई हो गया बस छोड़ छोड़ छोड़, आज पूरा अच्छे से वर्कआउट करेंगे एकदम इंटेंस, क्योंकि आर्म्स अलग से ट्रेन करता हूँ ना। सो अब चलते हैं ऊपर, चल के मस्त तगड़ा सा पंप सिक्योर करते हैं, बस अब ऊपर जाके भीड़ ना हो जिम के अंदर, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है। मैं ये बॉटल कल से अपने घर में ढूंढ रहा हूँ, जबकि मैं जिम में छोड़ के चले गया था बॉटल, बट सही है पानी तो मैं लेकर ही आया हूँ आज। I'll bet you that the greatest artist in the world you'll never see because they're so sensitive. क्योंकि मैंने कुछ टाइम से पुल डाउन से बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू करा है, सो पहली मूवमेंट होने की वजह से मैं इस पे ही बहुत ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करूंगा इन टर्म्स ऑफ लोड। एंड ये तो मेरा पहला वार्म अप सेट है, सिर्फ एक वार्म अप सेट लेंगे फॉर 5 to 6 रेप्स, फिर उसके बाद हम लोग 3 वर्किंग सेट्स लगाएंगे इसके, एंड पूरा अच्छे से डीप स्ट्रेच और बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन, एंड जितना ज्यादा स्लो उतना ज्यादा बेटर। एक सेकेंड का नीचे पॉज, दैट्स इट। पहला वर्किंग सेट विद 70 kgs, 10 to 12 की रेंज में रखेंगे ताकि बहुत अच्छा स्टिमुलस टू फटीग रेशियो भी कम हो हैवी वेट के अंदर, एंड अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और अच्छा स्ट्रेच भी आए। लेट्स गो। Thank you.
तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी यही केबल रोइंग, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी रहती है अनलाइक बारबेल और डंबल्स, और कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द मूवमेंट रहता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत है, एंड ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज भी है। सो इसमें कम से कम मैं हाई रेप रेंज रखता हूँ, कम से कम 14-15 की रेप्स तक रखता हूँ, एंड वेट इज 50 kgs फॉर 3 sets। लेट्स गो। हल्का लग रहा है यार। हर चीज का टाइम होता है, मेरा अगर ये ब्लॉग फटेगा उसका भी एक टाइम है, मेरा चैनल ग्लोब होगा उसका भी एक टाइम होगा, बट अभी कूल डाउन का टाइम है। गो बेबी। मैंने लास्ट सेशन में रेडल्स ऐसे बैठ के करना शुरू करा है, एंड उसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी एंड बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा चेंज भी दिख रहा है रेडल्स के अंदर, एंड इट गोज लाइक, एंड मैं ज्यादा से ज्यादा लोड भी उठा पा रहा हूँ इसमें, एंड मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को भी देखा ऐसे करते हुए परफॉर्म। बस अब हम जाएंगे घर, नो मोर एक्सरसाइजेस। अब मैं ये खाऊंगा, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि जिम में आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि भीड़ अगेन वही। यह मेरे दिन की कहानी, जिम की भीड़ सहन करने के बाद थक हार के मैं सिर्फ अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ टू कंप्लीट माय प्रोटीन, दैट्स इट। मेरे से भीड़ नहीं झेली जाती, मेरे को ये पता चल चुका है, एंड होपफुली कल मैं कॉलेज भी जाऊँगा, बहुत टाइम से छुट्टियाँ हो रखी थी, उससे पहले पेपर थे, तो उसके बाद से मैं कॉलेज भी नहीं गया हूँ। सो अपनी सोया चंक्स वाली मील खाने के बाद और 100 ग्राम मसूर की दाल खाने के बाद मैं आ गया हूँ अपने स्टेप्स कंप्लीट करने, एंड अभी मेरे स्टेप्स का गोल 10,000 इश के आसपास है। बेसिकली मेरे को 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है, सो उसके लिए मैं थोड़े बहुत स्टेप्स कंप्लीट करने का एम रखता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा सकूँ, एंड थोड़ा सा डेफिसिट मैंने थोड़े से अपने खाने को कम करके भी बनाया हुआ है, तो उन दोनों का बैलेंस से ही मैं एक टोटल कैलोरी डेफिसिट के अंदर हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खाना ना कम करना पड़े, इसीलिए मैं थोड़े बहुत स्टेप्स करके भी अपनी कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ कि विद टाइम मेरा आगे जाके भी और थोड़ा थोड़ा खाने का अमाउंट जो है वो रिड्यूस होता रहेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा मेंटली फटीक ना हूँ, इसीलिए मैं थोड़े बहुत स्टेप्स करके मैं अच्छे से खाना भी खा पाऊँ, एंड ऑल इन ऑल आई एम इन अ वेरी गुड मूड। बस ये कोई मेरा फ़ोन स्नैच करके ना भाग जाए, आई विश। सो यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड,
एंड कोई भी बात करनी है, कुछ भी कहना है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर दो, मेरे को इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाऊँगा। तो या कर दो यार, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ, कीप लिफ्टिंग एंड लेट्स लिफ्ट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। बाय।